इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि जब उस क्लासरूम में 200-300 बच्चे हैं, ऐसे पूरे इंडिया में कितने कोचिंग्स हैं, कितने क्लासरूम हैं और कितने सेल्फ स्टडी लोग कर रहे हैं, कितने लोग तो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो बहुत ही उनके नॉलेज गैप उनके पास है नहीं, वो कम्प्लीटली रेडी हैं, फिर आप उनसे कैसे कॉम्पीट कर पाओ। देखो यार, ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत से छोटे छोटे डाउट्स आते हैं कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है, हमें कैसे और कहाँ से नोट्स बनाने हैं, जो हमारी आंसर राइटिंग है उसे हम कैसे करें, साथ ही वैल्यू एडिशन के लिए उसमें क्या क्या स्कोर। तो एक बात आप जान लो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर इन दोनों फैक्टर में आप पीछे हैं तो फिर आप इस बात को भूल जाना कि आप एग्जाम क्रैक कर भी पाओगे। 5 ऐसे साइन या संकेत के बारे में बात करेंगे जो कि यह बताते हैं कि आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं। अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, या फिर आपके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट हो सकती है, तो ये संकेत आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको वास्तव में जरूरत है भी या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग होता है, और इसकी तैयारी में आपको हार्ड वर्क और राइट डायरेक्शन बहुत ही मैंडेटरी होता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब हमें इस बात की ही सियोरिटी नहीं होती कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जा पा रहा हूँ या नहीं। तो फिर इसी पॉइंट पे किसी भी कोचिंग का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर आइए उन 5 पॉइंट के बारे में जानते हैं जो कि यह बताते हैं कि आपको कोचिंग की जरूरत हो सकती है। तो पहला पॉइंट, जब आप सही स्टडी प्लान नहीं बना पा रहे हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपके पास एक सही प्लान, आपकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कब, क्या, कैसे और कितना पढ़ना है। इसकी सही नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि हर साल लगभग 11 से 13 लाख बच्चे अपीयर होते हैं यूपीएससी सीएससी में, बट 1000 के आसपास ही सिलेक्शन होता है। यानी कुल मिला के उनकी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी, उनके माइंड सेट के ऊपर ही ये सारी चीजें सेट होती है। वहीं अगर आप अपने स्टडी प्लान को लगातार बदल रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि ये मेरा प्लान सही है, ये स्ट्रेटजी सही है कि नहीं, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर यह एक संकेत है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग में सिस्टमैटिक तरीके से आपको डेली रूटीन फॉलो करना होता है वहां पे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। वहां के एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब स्टार्ट करना है, उसमें कितनी गहराई से आपको पढ़ने की जरूरत है और उसे किस तरीके से खत्म किया जाएगा उस सिलेबस, उस सब्जेक्ट को। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो मेंटर, वो टीचर आपके स्टडी को हर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम वो आपको ट्रैक करते हैं कि आपका जो अप्रोच है, आपकी जो प्लानिंग, वो सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं जा रही, वो टेस्ट सीरीज के द्वारा, जिससे आपका टाइम, एनर्जी, मनी, वो सारी चीजें आपकी बचती है। तो ये एक संकेत था जो कि आपको कोचिंग की तरफ ले जाने के लिए काफी है। सेकंड पॉइंट, जब आप सिलेबस को लेकर कंफ्यूज होते हैं, इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे कि यूपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट है, कितना बड़ा और कितना जटिल है। और इस कंडीशन में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि सिलेबस को कैसे कवर करें, कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये सारी चीज़ों की समझ बहुत से एस्पिरेंट को नहीं होती है। अगर ये सारी चीज़ें पता हो तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, यानी कम टाइम में आप किसी भी सब्जेक्ट से अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं, यानी आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा हो जाएगा टाइम और आपके नंबर में। तो अगर आप भी सिलेबस को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे कोचिंग के मेंटर या फिर टीचर आपको बताते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है और उसे कैसे आपको पढ़ना है, ताकि किस डेप्थ के साथ पढ़ना है, मुख्य मुख्य पॉइंट वो बताते हैं आपको, जिससे क्या होता है कि आपके जो प्लान है, आपके जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसमें एक क्लियरिटी आती है, किसी भी चीज को लेकर आपका माइंड क्लियर होता है, जिससे आपके टाइम पहले तो बचता है और साथ ही साथ आपका स्कोर जो है वो बढ़ता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है टेस्ट सीरीज और रिवीजन में अगर आप पिछड़ रहे हो। जब मैं बहुत से टॉपर या टीचर का इंटरव्यूज करता हूँ तो जो टॉपर या टीचर्स होते हैं ये इन्हीं दो फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, इन्हीं दो चीज़ों को। पहले तो टेस्ट सीरीज आपका जो PYQ से रिलेटेड हो, और साथ ही आपका रिवीजन, ये जो दो फैक्टर है इसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज या रिवीजन नहीं कर रहे हैं।
तो फिर ये आपके लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। तो एक बात आप जान लो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर इन दोनों फैक्टर में आप पीछे हैं, तो फिर आप इस बात को भूल जाना कि आप एग्जाम क्रैक कर भी पाओगे, क्योंकि आपको कंपटीशन से बाहर करने में ये दो फैक्टर बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। अगर आप इन पे पकड़ है आपकी और आप इसको अच्छे से करें, टेस्ट सीरीज जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है, और साथ ही आपका जो रिवीजन है, इन दोनों फैक्टर को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर उसके बाद भी इन सब में दिक्कत हो रही है, तो फिर कोचिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि कोचिंग वाले एक डेली रूटीन पे आपका टेस्ट लेते हैं, साथ ही उसके जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन करवाते हैं टाइम टू टाइम। यह आपको न केवल आपके तैयारी को परखने का मौका देता है, बल्कि आपके जो कमजोर एरियाज हैं जिस भी सब्जेक्ट में, उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है, जिससे आपको अपने तैयारी को टाइम टू टाइम अपडेट करने का भी मौका मिल जाता है और इसमें आप पीछे नहीं रहते हो। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जब आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। देखो, एक बात तो क्लियर है, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो कभी कभी लंबी और थकाऊ प्रक्रिया हो जाती है आपके लिए, तो यहाँ पे आपका मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बार हमें लगता है कि चलो यार आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, या फिर टेस्ट सीरीज रिवीजन आज नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। कुल मिला के आपको टालने का मन करने लगेगा, यार रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। बट वहीं आप किसी कोचिंग के क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो ये थॉट्स जो हैं जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि जब आपके आसपास 200-300-400 एस्पिरेंट बैठे होते हैं, फिर वहां पे आपको एक रियलिटी दिखती है, यार अगर मैंने ये चीजें टाली, ये चीजें नहीं की, तो फिर कंपटीशन से तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। क्योंकि जब उस क्लासरूम में 200-300 बच्चे हैं, ऐसे पूरे इंडिया में कितने कोचिंग्स हैं, कितने क्लासरूम हैं, और कितने सेल्फ स्टडी लोग कर रहे हैं, कितने लोग तो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो बहुत ही, उनके नॉलेज गैप उनके पास है नहीं, वो कम्प्लीटली रेडी हैं, फिर आप उनसे कैसे कॉम्पिटिट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो कोचिंग का रोल है वो आपके मोटिवेशन को भी बूस्ट करता है, जब आप उन रियलिटी में जीते हैं, उन रियलिटी में देखते हैं, बच्चों के एक्शन देखते हैं, जब उनके आंसर देखते हैं, उनके आंसर राइटिंग की स्पीड देखते हैं, उनकी वैल्यूएशन देखते हैं अपने आसपास जो बैठे हैं, तो फिर आई थिंक इतना मोटिवेशन आपके लिए काफी है और आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, ये फिक्स है। और अगर लास्ट और पांचवें पॉइंट की बात करें, कि अगर आपको गाइडेंस या फिर एडवाइस की कमी महसूस होती है, देखो यार ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत से छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है, हमें कैसे और कहां से नोट्स बनाने हैं, जो हमारी आंसर राइटिंग है उसे हम कैसे करें, साथ ही वैल्यू एडिशन के लिए उसमें क्या क्या सोर्स को हम अपने ऐड करें, जैसे कोई मैगजीन्स हम फॉलो करें या फिर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करें, किसी वेबसाइट्स को फॉलो करें, तो ऐसे जो छोटे मोटे डाउट्स हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत से आपके आते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो टाइम टू टाइम डिस्टर्ब होती जाएगी, आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगेगा, या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, जो मेरा डेली रूटीन है ये अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की डिमांड वो सेट हो पा रहा है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों में आप कन्फ्यूज होने लगते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई मेंटर या फिर कोई सीनियर आपका नहीं रह रहा हो जो कि आपको गाइड कर पाए या फिर एडवाइस कुछ कर पाए, तो फिर यह एक संकेत है कि आपको कोचिंग की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो उनके एक्सपीरियंस टीचर या फिर मेंटर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम जो आपके माइंड में डाउट आते हैं उसको वो सॉल्व करते हैं जी, और साथ ही साथ जो आपकी प्रिपरेशन है उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड, ये थे वो 5 साइन या संकेत जो कि यह बताते हैं कि आपको शायद कोचिंग लेने की जरूरत है। बट देखो, हर एस्पिरेंट की जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है, कोचिंग लेना या न लेना उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी अपने अंदर महसूस हो रहा है, तो फिर आपको कोचिंग के लिए जरूर सोचना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी के लिए बेस्ट और बजट फ्रेंडली कोचिंग देख रहे हैं जो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, तो फिर आप जीएस स्कोर की तरफ जा सकते हैं। यह कोचिंग दिल्ली की रेपुटेटेड कोचिंग जो कि इंग्लिश मीडियम की है, जिसमें आपके नीड के अकॉर्डिंग वहां पे बैचेज हैं, आप उसे ले सकते हैं, उसे देख सकते हैं, वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रीलिम्स में दिक्कत है, मेंस में दिक्कत है, या फिर ऑप्शनल में दिक्कत है, या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप रिवीजन
कुछ किसी चीज में स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर आपके वीक एरिया के रिकॉर्डिंग उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, जैसे आप इन बैचेस को देख सकते हो। तो ये है जीएस स्कोर या आईएस स्कोर की साइट, यहाँ पे जो थ्री डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे इनकी जितने भी कोर्सेस हैं आपको दिखेंगे, जैसे आपका जो फाउंडेशन क्लासेस है उसके नीचे मेंस क्लासेस है, मेंस में आप देख सकते हो क्लिक करोगे तो जीएस मेंस एडवांस 2024 के लिए, एथिक्स और एसए की मास्टर क्लासेस 25 के लिए। उसके बाद ऑप्शनल आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, एंथ्रोजियो, हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसके बाद जो रोल आता है टेस्ट सीरीज का, तो आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये आपकी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज थी और साथ ही प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेसिफिक की तैयारी करवा रहे। तो पर्टिकुलर अगर आप किसी भी वीक सब्जेक्ट है कोई आपका वीक एरिया है तो ये जो जीएस स्कोर है वो पर्टिकुलर आपके वीक एरिया ओरिएंटेड तैयारी करवाते हैं। इनकी साइट पे आप जाके देखोगे तो कुछ इस तरह की साइट इनकी विजिबल है, जैसे ये जो एनसीईआरटी फाउंडेशन का अगर इसको क्लिक करते हो आप, और जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये जो फीस है देखो आप, जनरली 10,000 होते हैं लेकिन फिलहाल ये 6,000 में एक्सेस हो रही है, और इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। कोर्स डिलीवरी में आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और आपका डिस्काउंट कोड होगा जो चैनल का नाम है स्टूडेंसी, आप उनको बताएंगे तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इन सब के बाद भी मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी कोचिंग हो आपको एक बेस्ट गाइडेंस या डायरेक्शन ही दे सकती है, बट एक्चुअल में जो मेहनत होती है वो आपकी ही मेहनत होती है, यानी जो आपका सफलता है सिर्फ वो डेडिकेटेड है आपके हार्डवर्क और आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाखों रुपए दे के भी कोचिंग कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो करीब 200, 300, 500, 600 तक बच्चे बैठे होते हैं। ऐसे सोचो आप कितने एक कोचिंग में, एक सेंटर पे कितने बैच चलते हैं और ऐसे कितने इंडिया में अपने कोचिंग से, तो क्या कोचिंग लेने के बाद वो सफल ही हो जाते हैं? तो ऐसा तो है नहीं, वो सारी चीजें आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेड है, आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंडेड है कि वो जो कोचिंग में आपको बता रहे हैं, वो जो कोचिंग में आपको वैल्यू दे रहे हैं उसको आप कितना ग्रैप कर पा रहे हो, उसे आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, उसे कितना अपने ब्लड में उतार पा रहे हो। ये सारी चीजें होती हैं कि आपको एक सफलता की तरफ मूव कर सकती है। तो फिर कैसी लगी वीडियो, ये जो मैंने अब तक जाना है, सीखा है, देखा है, उसके आधार पर ये सारी चीजें मैंने आप तक शेयर की, होप आपको पसंद आई हो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करें, साथ ही अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए और साथ ही अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।